Hey guys, welcome back with another reaction video. कैसे आप सारे? I hope आप सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। So आज हम reaction करने जा रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा जो मूवी आ रही थी आमिर खान की, एंड इस मूवी का टीजर हमारे को देखने को नहीं मिला, ना ट्रेलर देखने को मिला, बट इसका जो पोस्टर था वो काफी टाइम पहले आ चुका था, जिसके अंदर यार आमिर खान का लुक काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है उसके अंदर, एंड मतलब कुछ डिफरेंट ही आ रहा है ये हमारे को देखने को जो मिल रहा है। एंड आज हमारा रिएक्शन होगा इस मूवी के फर्स्ट ट्रैक के ऊपर, जिसका नाम है कहानी। एंड इस ट्रैक को गाया है मोहन कनन ने, एंड प्रीतम ने इसका म्यूजिक दिया है, एंड अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम। पम पररम, क्या पता हमने है कहानियां हैं कहानी में हम। पम पररम, कभी कभी जो ये आधी लगती है आधी लिख दे तू, आधी रह जाने दे जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू आधी बह जाने दे जाने दे। हम समंदर का एक खतरा है या समंदर है हम। पम पररम, म्यूजिक काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रहे हैं। अमेजिंग। हथेली की लकीरों में लिखी सारी है या जिंदगी हमारे इरादों की मारी है। है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में, या इसको ना समझना ही समझदारी है। बैठी कलियों पे तितली के जैसी, कभी रुकने दे कभी उड़ जाने दे जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू आधी बह जाने दे जाने दे। है जरूरत से थोड़ी ज्यादा या है जरूरत से कम। पम पररम, पता हमने है कहानियां हैं कहानी में हम। पम पररम, इन थिएटर्स 11th अगस्त को आने वाली है, ये काफी मजा आएगा यार। सो गाइज, ये था ट्रैक, एंड ट्रैक तो काफी ज्यादा हर्ट वार्मिंग था, मतलब इतना सोलफुल म्यूजिक इसका दिया है, एंड प्रीतम सर ने जो म्यूजिक दिया है इसका, जो वाइब इसकी बन रही थी ना, मजा आ रहा था, अमेजिंग। एंड अमिताभ भट्टाचार्य ने जो इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत क्यूट से लिरिक्स थे। एंड प्रीतम सर को काफी लोग मिस भी कर रहे होंगे उनके ट्रैक्स को, उनके म्यूजिक को, उनका म्यूजिक ही इतना प्यारा होता है हमेशा, जितने भी उनके आपने पहले भी ट्रैक्स सुनेंगे तो सेम ऐसी वाइब होती है उसमें, और जो मूड को इतना प्यारा बना देना यार, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। मतलब कॉम्पोजिशन की गेम
गेम में तो यार प्रीतम सर टॉप पे है। एंड बात करें मोहन कनन सर की, यार उनकी वॉइस ने जो दिल जीत लिया, बिकॉज यार उनकी सूदिंग वॉइस थी इतनी ज्यादा। सो जितने भी लोग स्ट्रेस लेते तो वो इस ट्रैक को जरूर सुनना यार, रिपीट पे लगा लेना, मैं तो सुनने वाला, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आमिर खान सर को हम काफी टाइम से यार मिस भी कर रहे थे, यार उनकी मूवी आ रही है तो हमें इनको पूरा सपोर्ट करना है। एंड आई होप सो ये मूवी छा जाएगी, बिकॉज यार ये फॉरेस्ट ग्रम से रीमेक है। मतलब काफी लोग कह रहे थे, मतलब मैंने तो कमेंट्स में पढ़ा था पहले ही जब इसका पोस्टर आउट हुआ था, कि फॉरेस्ट ग्रम मूवी जो बाहर की मूवी है एंड उससे ही कुछ स्टोरी वगैरह मेरे ख्याल से रिलेटेड करके, मतलब बिल्कुल पूरा डिटो तो नहीं करेंगे। आमिर सर का जो लुक हमारे को दिखाया है वो मतलब एक पंजाबी सरदार जी, मतलब पूरे मतलब बियर्ड रखी है उन्होंने, पगड़ी बांधी, इतना ज्यादा डिसेंट लुक दिया है उनका और काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड उनको मैं इस करेक्टर के अंदर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड उससे मूवी कुछ न्यू ही होगी अपने इंडियन सिनेमा के लिए। सो आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द आमिर खान फैंस हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, रब राखा।